बच्चों, आज हम हिमालय की बेटियाँ यह पाठ जितना पढ़ लिया उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे और फिर आगे का पाठ हम शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पर जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वह उसे गंभीर शांत दिखाई थी, परंतु जब उसने हिमालय की ऊंचाई से इन नदियों को देखा तब वह कैसी दिखाई दी? एकदम दुबली पतली, चंचल, खिलखिलाकर हंसती हुई सी उसे नजर आ रही थी। लेखक हैरान हो गया कि वही दुबली पतली नदियाँ मैदानों में आकर विशाल कैसे हो जाती है। फिर जब यह नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की ऊंचाई से नीचे उतरती हैं, तब उसे क्या मिलता है? पेड़ पौधे, हरी भरी घाटियों को मिलकर वह आगे बढ़ती जाती है। हिमालय को समझ में नहीं आता कि वह क्यों मुझे छोड़कर आगे बढ़ती जा रही है। यह बूढ़ा हिमालय अपने बेटियों के लिए क्या हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है। उसके बाद सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के बारे में लेखक ने कहा है कि यह सिंधु और ब्रह्मपुत्रा महानदियाँ हैं और इनके बीच कई छोटी बड़ी हिमालय की बेटियाँ हैं। तो यहाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का कोई एक अस्तित्व नहीं है, तो यह नदियाँ हिमालय की पिघले हुए हृदय की बूंदे हैं और ये महानदियाँ बनकर समुद्र को क्या हो जाती है, मिल जाती है, और इसीलिए समुद्र को सौभाग्यशाली कहा गया है। लेखक ने क्या कहा है? समुद्र को सौभाग्यशाली कहा है। यहाँ तक हमने अपना यह पाठ पढ़ लिया था, फिर अब आगे देख लेते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। शब्दार्थ लुभावना यानी मन को भाने वाला, झिझक यानी शर्म, आकर्षक यानी अपनी ओर खींचने वाला। आकर्षक यानी क्या? अपनी ओर खींचने वाला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तो मैदानों में जब लेखक ने इन नदियों को देखा तो शायद सभी के मन में यह विचार आता होगा कि यह वृद्ध हिमालय की गोद में यह बच्चियां कैसे खेला करती है, ऐसे उसके मन में विचार आता है। उसके बाद माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, तभी आकर्षक का मतलब क्या है? अपनी ओर खींचने वाला। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, लुभावना का मतलब है मन को भाने वाला, तो लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में बिना कुछ सोचे खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है, इतना भाता है कि वह हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता, झिझकता नहीं, शर्म नहीं करता या संकोच वह करता नहीं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी।
यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह उसी नतीजे पर पहुंचेगा। शब्दार्थ है प्रतिदान यानी लौटाना, प्रतिदान लौटाना, चंचल अस्थिर, सचेतन सजीव, नतीजा परिणाम। कालिदास के वीरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी की प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर नदियों को देखकर लेखक को यह याद आता है कि एक बार कालिदास के वीरही यक्ष ने, अभी कालिदास एक महाकवि है और महाकवि के एक वीरही यक्ष ने यानी मेघदूत, मेघदूत यानी क्या है, बादल, तो बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें देखकर वह ज़रूर क्या हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। आगे देखते हैं, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोच कर कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक, लेखक को यह बात इन चंचल नदियों को देखकर याद आती है और उसे लगता है कि महाकवियों को भी इनका यह रूप क्या हुआ होगा, पसंद आया होगा, ऐसे उसका लेखक का यहाँ पर कहना है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अभी नतीजा यानी परिणाम, नतीजा का मतलब क्या है, इसी नतीजे पर पहुंचेगा यानी इसी परिणाम तक पहुंच जाएगा। मतलब असल में पहाड़ियों में बहने वाली नदियों का रूप हमने देखा कि मैदानों में रूप अलग है और कहाँ ऊंचाई पर उसका रूप अलग है, तो मैदानों में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनका रूप देख कर कोई भी इस नतीजे पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा कि क्या है, इनमें क्या है, बदल है। ज़रूर आंगन में, समतल आंगनों में, मैदानों में वे अलग हैं और जो पहाड़ी घाटियों पर उन्होंने उसका रूप देखा है वह कैसा है, अलग सा रूप है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलिट तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका हुए पानी में थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनानी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। शब्दार्थ देख लेते हैं, लोकमाता यानी कल्याणकारी,
लोकमाता का मतलब क्या है? कल्याणकारी। उचक यानी उदास। अचरज आश्चर्य। मुदित यानी प्रसन्न या मनमोहक। खुमारी यानी आलस। नटी यानी नर्तकी। अनुपम यानी अनोखा। अभी मुहावरे हैं यहाँ पर, मन ताज़ा होना यानी प्रसन्न होना। क्या अर्थ है मन ताज़ा होना का? प्रसन्न होना। दूसरा है मुहावरा, मन उचट होना यानी उदास होना। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अभी लोकमाता का मतलब क्या है? कल्याणकारी। तो यह जो नदियाँ है तो सभी का क्या करती है? भरण पोषण करती है, सबका भला चाहती है। और जिस प्रकार अपनी माता हमारा भला चाहती है, इसी प्रकार यह नदियाँ भी हमारा क्या करती है? भला चाहती है। और इसीलिए काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता का रूपक दिया है। तो किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? तो यहाँ पर काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता का रूप दिया है। क्यों? क्योंकि ये सभी का कल्याण ही करती है। परंतु उनका कहना है कि माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी भी माना है। तो देखो, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो और एक धागा है ममता का, तो वह भी धागा हम उसे जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थ्रोलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था। अब यहाँ मन उचट जाना यानी उदास होना। मन उचट जाना का मतलब क्या है? उदास होना। मतलब अभी वाक्य बनाने हैं उचट जाना का, तो मन चाहे चीज़ न मिलने पर बच्चा क्या हो गया? उचट हो गया, यानी उसे क्या हुआ? उदास हो गया, उसे मन चाहे चीज़ न मिली इसी के कारण। तो तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर तन और मन ताज़ा हो गया यानी मन ताज़ा होना यानी क्या? प्रसन्न होना। मन ताज़ा होना यानी प्रसन्न होना। तो सवेरे की खुली हवा में घूमकर मेरा मन कैसे हो गया? ताज़ा हो गया। यह वाक्य हमने बना लिया इस पर। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कालेलकर जो हैं उनका कहना है हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी भी माना है। कवियों ने इन्हें प्रेयसी भी माना है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा भी वह इन नदियों से जोड़ा गया है। हाँ, और किन्हीं कुछ लेखकों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। कितने कवियों ने भी उन्हें बहन का स्थान दिया है। तो एक बार लेखक बहुत उदास था और उदास होकर वह सतलुज के किनारे बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और सतलुज के किनारे वह बैठने के बाद उसने अपने पांव पानी में क्या कर दिए? डाल दिए। तो थोड़ी देर में उसका तन और मन ताज़ा हो गया। वह क्या हो गया? तन और मन ताज़ा होना का मतलब हमने क्या देखा है? प्रसन्न होना। उसका मन एकदम प्रसन्न हो गया और लेखक अपनी बहन के लिए कुछ कविता क्या करने लगा? गुनगुनाने लगा, लिखने लगा। तो अपनी बहन के लिए लेखक कविता लिख देता है, हाँ, और गुनगुनाता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। अभी अचरज यानी आश्चर्य। तो यहाँ कहना चाहता है कवि कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। हाँ, तुम्हारी लीला आश्चर्यकारक है। हाँ, लीला अचरज बहन तुम्हारी का मतलब क्या है? तुम्हारी लीला आश्चर्यकारक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी,
जाओ मैं तुम पर बलिहारी, हुआ मुदित यानी प्रसन्न हो गया मेरा मन, और हटा खुमारी आलस्य, खुमारी का मतलब क्या है आलस्य, तो यह कवि क्या कह रहा है, तुम्हें देखकर मेरा मन क्या हो जाता है प्रसन्न हुआ और मेरा आलस्य दूर हो गया। मैं तुम पर क्या हूँ बलिहारी हूँ, हाँ मैं सब कुछ नौछावर करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि जब उसने अपने पैर उसके पानी में डुबा दिए तब वह क्या हो चुका, प्रसन्न हो गया, और इसलिए वह उसे बलिहारी कहना चाहता है। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, अभी यहाँ पर तुम पुत्री है और हिमालय तुम्हारा कौन है, पिता है, हाँ पिता हिमालय कैसा है, वह चुपचाप है लेकिन चिंतित है। तुम्हारा पिता कैसा है, चुपचाप है, हाँ लेकिन कैसा है, चिंतित है। हाँ प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अभी प्रकृति यानी जिसकी उपमा न दिए जाए, हाँ यानी प्रकृति नटी यानी नर्तकी चित्रित पट पर अनुपम यानी अनोखी, यानी कि अनोखी का मतलब है जिसकी उपमा क्या नहीं की ना की नहीं जा सकती, ऐसी अनोखी अद्भुत छाप हिमालय। तो यहाँ प्रकृति तो नर्तकी के समान, इसी प्रकृति के आंगन में हिमालय अपनी क्या कर रहा है, अनोखी अद्भुत छटा बिखेर रहा है, इतना सुंदर हिमालय है, और इसलिए जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि तुम्हारी बहन, तुम जो बहन है सतलज बहन, तुम्हारी क्या हो जाए, जय हो जाए। यही पर अपना पाठ समाप्त हो गया है। अब हम हिमालय पर एक कविता पढ़ लेते हैं। हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम ही ऊंचे उठ सकते हो छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो इस कविता में कवि ने हिमालय द्वारा मुसीबतों से न घबराते हुए जीवन में दृढ़ता यानी अपना लक्ष्य बनाए रखने को कहा है, जबकि पाठ में अपनी बेटियों यानी कि नदियाँ जो है, तो नदियों के घर छोड़कर जाने से हिमालय पछताता रहता है, तो यह तुलना यहाँ पर हमने की है। तो आप भी इस प्रकार की अन्य कविताएं ढूंढकर क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। अब हमें इस पाठ द्वारा क्या क्या सीख मिली ये जान लेते हैं। जीवन मूल्य, बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो लेकिन अपने माँ पिताजी के लिए वे सदा छोटे ही रहते हैं और वे उन्हीं की चिंता में रहते हैं। जिस प्रकार हिमालय अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता था, तो कोई भी माँ पिताजी हो उन्हें क्या होता है, अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। वे बड़े कितने भी बड़े हों फिर भी उन्हें अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। जिस प्रकार से हिमालय को अपने बेटियों की चिंता लगी रहती थी। नदियों की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करनी चाहिए, तो नदियां हमारी कई कामों में सहायता करती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी पर है। नदियों को हम लोकमाता कहते हैं, वह हमारा भरण पोषण करती हैं, इसलिए हमें नदियों को प्रदूषण से दूर रखना चाहिए। तो नदियों ने हमें कई रोज़गार भी दिए हैं। मानव जाति के विकास में नदियों का
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए हमें इन्हें प्रदूषण से दूर रखना होगा। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघलते हुए एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। दूसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही है। यह हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती है। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियां भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती हैं। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की, इनसे निकलने वाली नदियों की, अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चीना, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। पाठ में आए हुए विशेषण और विशेष अब हम देख लेते हैं। तो विशेषण है संभ्रांत और विशेष महिला, यानी महिला कैसी है? संभ्रांत महिला। विशेषण चंचल, विशेष नदियां चंचल हैं। विशेषण समतल और विशेष आंगन कैसा है? समतल आंगन। विशेषण घना और विशेष जंगल कैसा है? घना है। तो यहाँ पर हमने कुछ व्याकरण का भी एक भाग देख लिया जो हमने पहले पढ़ लिया था।